सुप्रभात, मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, आप तक जो भी पढ़ाया हुआ है वो सारा सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ क्या होता है, कौन कौन सा ऑफिसर्स रहते हैं और कौन कौन सा सेक्रेटरीट सेक्रेटरीट का जॉब रोल क्या होता है और सुपरिटेंडेंट कौन होता है और सुपरिटेंडेंट क्या करता है, वो सारा इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेरियोटाइपिस्ट एंड मैनुअल वर्कर। इसका मतलब है कि सुपरिटेंडेंट जो भी होता है वो मीडिएटर रहता है ऑफिस इंफॉर्मेशन सेंडिंग में। ये आप इधर देख सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट। और सेक्शन ऑफिसर इज हेड ऑफ द ऑफिस एंड एक्ट एज लिंक बिटवीन अंडर सेक्रेटरी एंड एंटायर स्टाफ। ये लिंक होता है जो कि लिंक प्रोविजन करता है हर एक को, क्या करते हैं, लिंकेज रखता है सेक्रेटरीट ऑफिस एंड ऑफिस स्टाफ में। वही सेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट का काम होता है। एज द स्टाफ ऑफ द सेक्शन ऑफिसर कंपोनेंट सेक्रेटरी इज डन इन द फॉलोइंग सर्विसेज। सेक्शन ऑफिसर का कौन कौन सा जॉब होता है और ऑफिस में सेक्शन और सुपरिटेंडेंट कैसे बनते हैं। सेक्रेटरीट स्टेरियोग्राफिकल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ 5 ग्रेड्स, मैनुअली प्राइमरी, सीनियर प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरीट ग्रेड, प्राइवेट सेक्रेटरीट ग्रेड, उसके बाद ग्रेड ए ग्रेड बी मर्ज्ड, उसके बाद ग्रेड सी पर्सनल असिस्टेंट एंड ग्रेड डी स्टेनोग्राफर। एक ग्रेड डी में स्टेनोग्राफर आता है। अगर दो नंबर पॉइंट, सेंट्रल सेक्रेटरी क्रिटिकल सर्विस कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेड, नेमली अपर डिवीजन ग्रेड और लोअर डिवीजन ग्रेड। जो कि क्लरिकल पोस्ट होते हैं वो अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में डिवीजन हुआ है। The Department of Personnel and Training of the Ministry of Personnel is the cadet controlling authority in respect to these two services. जो भी होता है वो Ministry of Personnel के cadet में होता है जो कि conduct करता है government. Since 1976 the Staff Selection Commission और SSC जो conduct करता है clerical post के लिए has been organizing competitive examination to directly recruit lower division clerk. जो कि lower division में रहते हैं वो SSC conduct करता है और उनको selection करने में, उनका UPSC में कोई योगदान नहीं रहता है और हस्तक्षेप नहीं रहता है, वही इसमें दिया गया है। अगर देखें तो डेस्क ऑफिसर सिस्टम क्या होता है, कौन एग्जीक्यूट करता है, इसका मतलब क्या है। नाउ इन 1970 प्रोसीजर ऑफ वर्क इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज ड्यू टू इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्क ऑफिसर सिस्टम। इट हैज बीन वर्क डन रिकमेंडेशन द स्मोक स्टडी टीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। दिस सिस्टम वॉज एडोप्टेड बाई फ्रॉम द ब्रिटिश व्हाइट हॉल सिस्टम। ये डेस्क ऑफिसर सिस्टम कहाँ से अडोप्ट हुआ है, व्हाइट हॉल सिस्टम से अडोप्ट हुआ है जो कि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके जा चुके होंगे। इसका एडवांटेज यही है कि नाउ वॉट आर द एडवांटेज, दिस आर द डिफरेंट एडवांटेज विच इज बीन ऑफर्ड बाई डेस्क ऑफिसर सिस्टम। डेस्क ऑफिसर सिस्टम में कौन कौन सा एडवांटेज है, इट फैसिलिटेट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज जनरल एज वेल एज ड्यू टू लेवल जंपिंग। सेकेंड पॉइंट, इट अवॉइड एग्जामिनेशन ऑफ केस इन क्लरिकल लेवल। थर्ड पॉइंट, इट एलिमिनेट्स डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी फंक्शनिंग। इट रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर, इट मेक्स वर्क क्वालिटेटिव एंड इनिशियल एग्जामिनेशन केस इज डन ऑफिसर लेवल। इसका मतलब है डेस्क ऑफिसर सिस्टम इसीलिए रखा गया है कि थिंग्स को सिंपलर करने में, थिंग्स को इजीली एग्जामिन करने में, जिसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है और वर्क कैन बी डन इन ए क्वालिटेटिव मैनर विदाउट वेरी लेस एक्सपेंडिचर। का मतलब वर्क बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और एक्सपेंडिचर बहुत कम रहता है, वही इसमें दिया गया है डेस्क ऑफिसर सिस्टम में। धन्यवाद।